आपको बोर्ड पे लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है अनुपात। अनुपात क्या होता है जे आपको पहचानना जरूरी है, ये बात जानना जरूरी है। गणित का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जे, आपके गणित में पूछा जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इससे प्रोबेबिलिटी है समानुपात, जे अगर आपको समझ में आए तो समानुपात भी आपसे बन जाएगा। तो अनुपात क्या चीज है, जिसके रूप में अपन उसकी तुलना करते हैं, कि जिन जिस जिन मतलब जिस वस्तु के से अपन उसकी तुलना कर भी उसको उसका अनुपात करें। अगर दो वस्तु हैं, एक वस्तु के अनुरूप जो जो सी वस्तु के अपन तुलना कर भी, जैसे अपन पहली वस्तु है दूसरी वस्तु, पहली वस्तु अपन दूसरी वस्तु की तुलना करें उसको अनुपात कहते हैं। जैसे अपनी ए वस्तु जो है, एक ए है, एक आपकी ए है और एक आपकी बी है, ठीक है। अगर अपन को ए के रूप में अगर बी की तुलना करें तो ए बटे हैं मतलब एक हाँ बी के रूप में तुल भी, तो इसको ए अनुपात है। अगर बी लिख दें तो जो का इसको अनुपात है, ए बटे बी के रूप में अनुपात कर भी, ए बटे बी को ऐसा लिखते हैं। अगर ए अनुपात है मतलब इसके अनुपात मैंने तोड़ दिया, इसको तुलना की, इसके इससे तुलना कर दी तो जो का अनुपात है, अपन इसको इनके रूप में तुलना करते हैं तो इनको अनुपात बोला जाता है। जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाती है उसका अनुपात कहते हैं, ठीक है, उसका उसका अनुपात कहते हैं। तो अनुपात को तो भैया इससे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इस चिन्ह से तुलना का अनुपात प्रदर्शित करते हैं, इस अनुपात को कि इस चिन्ह से मतलब दो चिन्ह आपको यहाँ से बनाने हैं, बिंदी से लिख देना है यहाँ से, तो ये अनुपात है दो चीजों के बीच में होता है, दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है। बस तो देखो आपको हमें ऐसा बताएं, एक दो उदाहरण लें, तो जैसे 5/2, अगर 12/16 और 6/18 और 3/7, इनको अनुपात लिखना है तो लिखते हैं कि आ जाएंगे अनुपात पे, लिखे अनुपात में बदलिए। तो आपको अगर इसमें भाग ज्यादा तो दे देना, नहीं करना ही देना, भाग नहीं जाता तो उसको क्या करेंगे, बस सिंपल रूप में आपको 5 5 के बीच में लगाना है अनुपात, और बगल पे क्या लिखना है 2, तो जी आपका अनुपात में बदल गया, बस कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर कट रहा तो पहले इसको काट देना, 4 से कट रहा, 4 दिए 12, कट रहा ना 4 दिए 12 और 4 जो के 16, तो जी बन गया आपका 3/4। बिना काटे तो आपको जब लोग कट रहा हो तो काटा चलो फिर अनुपात में बदलना, फिर ना काटेगा 3 अब नहीं काटना, तो 3 ऊपर के जाएंगे तो और बीच में लगा अनुपात, और 3/3 अनुपात है 4, तो 3/4, 3 से की तुलना की 4 से, 3 की तुलना 4 से करेंगे तो इसको उसका अनुपात करते हैं। अब बस इसको ऐसे करना, 6 से का भाग जरा, 6 1 6, 6 1 6, 6 3 18, तो आगे 1/3 इसको अनुपात में देखना, तो 1/3 जी आपका इसका आंसर हो गया। जो आप लोग कर दो नहीं तो हम भी करते रहे कर दो, 7/ कितना रहेगा 6, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना, बस दोस्तों धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कोविड क्या समझा।